हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन CNS और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटी एंजाइटी। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या हैं? ये वो ड्रग हैं जो एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो अभी भी वही बात है कि ड्रग्स को पढ़ने से पहले एंजाइटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एंजाइटी है क्या, ठीक है, इसके क्या रीजन है और ऐसा ब्रेन में क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हो रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंजाइटी क्या है, एक इमोशनल सिचुएशन है। ठीक है, मैं क्योंकि हमारे इमोशंस की वजह से हो रहा है बेसिकली, तो ये क्या है, एक इमोशनल सिचुएशन है जो कि बहुत अनप्लीजेंट होती है। अगर इसके नेचर की बात करें तो इससे कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है और इसमें जनरली जो भी इंसान है उसे एक आपका क्या रहता है, फेयर रहता है अबाउट द फ्यूचर थ्रेट्स। ठीक है, फ्यूचर के बारे में वो हमेशा क्या करता है, टेंशन में रहता है। उसे लगता है कि आगे जैसे टाइम आएगा, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में उसके लिए खतरा है। वो जो थ्रेट है वो डिफाइंड भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है, यानी कि उसे पता भी नहीं होगा कि उसे किस चीज से डर लग रहा है, वो किस चीज के बारे में सोच के डर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता हो वो किस चीज से डर रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो एंजाइटी एक क्या है, इमोशनल सिचुएशन है जो अनप्लीजेंट है नेचर में। ठीक है, जिसमें इंसान क्या करता है, अंदर से घबराहट महसूस करता है अपने फ्यूचर को लेके और फ्यूचर में आने वाली किसी समस्या को लेके। ओके, तो अब बात ये आती है कि जो ये एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी किस वजह से हो रही है, बॉडी में ऐसा क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं इमोशनल ब्रेन की, हमारी जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, वो क्या है, हमारा अमाइग्डेला। क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, हमारा अमाइग्डेला करता है। ठीक है, अब अमाइग्डेला करता, अब देखते हैं कि नॉर्मली होता क्या है हमारे साथ। ठीक है, सपोज हमारे सामने कोई भी थ्रेटफुल सिचुएशन है जिस चीज से हमें डर लग रहा है। ठीक है, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप जानते हो एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, एंजाइटी का इलाज करना या एंटी एंजाइटी ड्रग देना तब जरूरी हो जाता है जब जो आपका आप बोलते हो सिचुएशन के डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में इंसान को डर लग रहा हो। ठीक है, थोड़ा बहुत डर हर किसी को लगता है। सपोज आपको फर्स्ट टाइम कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको पब्लिक के बीच में जाके बोलना है, तब भी थोड़ा बहुत एंजाइटी होता है ना। आपकी परफॉर्मेंस है तब भी आपको एंजाइटी फील होता है, आपको एग्जाम देने जाना है तब भी हम थोड़ा सा एंजियस फील करते हैं। सो इट इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है आपका, आप सिचुएशन से ज्यादा आप घबरा रहे हैं, ठीक है, जितना आपको नहीं घबराना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको क्या आ रहे हैं, आप पैनिक सिचुएशन में आ जा रहे हैं, तो वो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, इवन आप कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान को ट्रीमर्स आ जाते हैं, झटके आने लगते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या है, आपका एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में रेस्पॉन्स है बॉडी का, है ना। तो एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से, अभी मैं हूं, अगर मेरे सामने कोई एक सिचुएशन आ रही है तो शायद मैं उसे अलग तरीके से डील करूंगी, वहीं दूसरा कोई पेशेंट जो जिसको एंजाइटी है वो उस सिचुएशन को अलग टाइप से रिस्पॉन्स करेगा। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से किसी भी थ्रेटफुल सिचुएशन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कोई भी आपका थ्रेट है, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो थ्रेट लिख रही हूं मैं, तो जब भी थ्रेट होता है तो थ्रेट दो तरीके का हो सकता है। किस किस तरीके का हो सकता है, थ्रेट हो सकते हैं आपका या तो कैसा है आपका, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, या हो सकता है माइल्ड या मॉडरेट है। ठीक है, दो ही टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो थ्रेट के केस में हम क्या कह सकते हैं, या तो बहुत स्ट्रांग अगर स्टिमुलाई है बहुत, और दूसरा हो सकता है माइल्ड और मॉडरेट। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं। तो क्या होता है, देखो दोनों सिचुएशन में हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब भी आपका जो थ्रेट है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो थ्रेट माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि एक बंदे के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारा थ्रेट माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी का होता है तो हमारा जो मैसेज जाता है वो कहाँ जाता है, आपका प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में सिग्नल जाते हैं। ठीक है, प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स सबको पता है फ्रॉन्टल लूप का आपका आउटर पार्ट है। ठीक है, सिग्नल कहाँ गए, प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में,
और प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स की खासियत क्या होती है, ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना। तो अब क्या होगा, जब मैसेज प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स को मिला तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग होगी, थॉट प्रोसेसिंग होगी, इंसान सोचेगा, ठीक है, सोचने समझने के बाद तब जाके एक लॉजिकल डिसीजन पे आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अच्छे से चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्टेंट, जो आपका रिस्पॉन्स होता है, वो बहुत रैशनल रिस्पॉन्स होता है और लॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो यानी कि अगर ये वाला हुआ, यानी कि मैसेज अगर प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में गया, तो जो रेस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा, आपका बहुत रैशनल, ठीक है, एंड लॉजिकल, ठीक है, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे अब इंसान क्या करेगा ऐसी स्थिति में, अब आपका प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में जब ये प्रोसेस चलेगी, तो जो सोच वहां पे ये प्रोसेसिंग होगी कि क्या ये थ्रेट डरने लायक है, जो सिचुएशन, जिस चीज की वजह से मैसेज आपके प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में आया था, क्या वो इस लायक है कि आपको उस चीज से डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जब पूरी एनालिसिस होगी, पूरी प्रोसेसिंग होगी, और जो डिसीजन आप लेंगे वो बहुत ज्यादा लॉजिकल डिसीजन होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, आपकी प्रोसेसिंग का पार्ट है। लेकिन अगर जो थ्रेट था अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो थ्रेट क्या था, बहुत स्ट्रांग थ्रेट था, तो मैसेज जो है प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में सिग्नल न जाके कहाँ जाएंगे, सिग्नल हमारे अमाइग्डाला में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अमाइग्डाला। और अमाइग्डाला को हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, टोटली इमोशन बेस्ड होता है, इसको इसके अंदर कोई लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं चलती है। तो होगा क्या, अमाइग्डाला बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, क्योंकि प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में तो प्रोसेसिंग हुई थी, अमाइग्डाला सीधे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और क्या होता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, क्या होते हैं भाई, इस रेस्पॉन्स में कैसे कैसे जनरेट होता है आपके बॉडी में, जब भी ये रेस्पॉन्स जनरेट होने का मतलब आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए। और स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से हैं, मेजर स्ट्रेस हार्मोन क्या है, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा और कॉर्टिसोल रिलीज होंगे, ठीक है, जो कॉर्टिकोसोल्स हैं वो रिलीज होंगे। और आप जानते हो ना, जो एनए है, कॉर्टिसोल अगर रिलीज होगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, नॉरएड्रेनालिन जब रिलीज होता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ट्रीमर्स आने लगते हैं। तो हुआ क्या, देखो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके रिलीज होने की वजह से इंसान को एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि जब आपका हमेशा बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको एंजाइटी नहीं है तो आपके ब्रेन में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में, और आप आसानी से सारी चीज को प्रोसेस करके आप एक लॉजिकल रेस्पॉन्स दे रहे हैं जो होना चाहिए, ठीक है, कि इस थ्रेट के अगेंस्ट हमें इतना डरना चाहिए या इसको करने का कोई एडवांटेज है या नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आपका आपके लिए थ्रेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैसेज कहाँ जाएगा, सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, अमाइग्डाला में, और अमाइग्डाला बिना कुछ सोचे समझे एक्टिवेट कर देगा फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होने लगेगा, नॉरएड्रेनालिन कॉर्टिसोल्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपका बीपी, हार्ट रेट, ट्रीमर्स आपको आने लगेंगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, सो ओवरऑल आपको साइंस आने लगेंगे एंजाइटी के। तो यही रीजन है कि क्यों एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो अमाइग्डाला बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि सिग्नल्स कहाँ गए, आपके अमाइग्डाला में गए। नेक्स्ट अब बात यह आती है, चलिए पता तो चल गया कि ये है क्या, अब जो हमें मेन चीज डिस्कस करनी है वो क्या डिस्कस करनी है, कि जो आपका हो रहा है, अगर एंजाइटी हो रही है तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजाइटी ज्यादातर आप देखेंगे बहुत केसेस में जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में है, आगे आपकी जो पहले की जनरेशन है उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं।
बहुत टाइम ऐसी होती है कि आपके साथ कुछ ऐसी लाइफ में ऐसे इंस्टेंस हुए होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, ये भी आपका एक रीजन होता है। दूसरा है आपका ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स के लेवल का आपका क्या होना, आप बोल सकते हो कि न्यूरो ट्रांसमीटर के लेवल में कोई गड़बड़ आ रही है तो उस वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। तो ये कुछ रीजन है, या स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि आपने देखा कि स्ट्रेस हॉर्मोन ही है जिसकी वजह से फाइनली आपको एंजाइटी फील हो रही है या एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है, इतना सब कुछ हम कर चुके हैं, अब मेन आता है न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल, ठीक है। एंजाइटी के लिए कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन आप देखते हैं, चलिए। मेजर तीन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एंजाइटी में अपना रोल प्ले करते हैं, और लाइक एनी सीएनएस डिसऑर्डर या सीएनएस डिजीज, इसकी भी कोई एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता है, केवल एजम्पशन है कि शायद इसके लेवल के बढ़ने की वजह से ये दिक्कत आई होगी। इवन बहुत से केसेस में एग्जैक्ट आपका रोल भी नहीं पता है, अभी आपको आगे देख के पता लगेगा। तो तीन न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, चलिए, सबसे पहला है आपका नॉरएड्रेनालिन, इसका रोल अभी आपने सीधे सीधे देखा था क्या हुआ था नॉरएड्रेनालिन की वजह से। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास 5-HT विच इज ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन, एंड द थर्ड वन इज डोपामीन, ठीक है। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनके बेसिस में हम कह सकते हैं या जो कहीं ना कहीं एंजाइटी से जिनका कुछ ना कुछ लेना देना है। तो इनको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन अभी आपने देखा था कि जब भी एंजाइटी होती है स्ट्रेस हार्मोन यानी कि नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है जिसकी वजह से एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। तो आप बोल सकते हो कि नॉरएड्रेनालिन का लेवल कभी भी ब्रेन में ज्यादा होगा, एंजाइटी का जो पेशेंट है उसके ब्रेन में नॉरएड्रेनालिन का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मेन काम यह है कि अगर हमें एंजाइटी के पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिया करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जो नॉरएड्रेनालिन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट रेट बीपी बढ़ रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सबसे पहले समझ में आया बीटा ब्लॉकर का क्या इफेक्ट है। सो मैं सीधे सीधे यहीं पे ड्रग को भी आपका फोकस करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। इसीलिए हमने क्या दिया, बीटा ब्लॉकर्स दिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि एंजाइटी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन की वजह से ही आ रहे हैं। तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल हम देंगे तो उससे क्या होगा, ये जो सिम्टम्स है एंजाइटी के उनसे आपको काफी रिलीव मिल जाएगा। सो फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ये दे सकते हो, समझ में आया। नेक्स्ट आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो है 5-HT और सेरोटोनिन। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें कि इसका एग्जैक्ट रोल एंजाइटी में क्या है ये आपका अभी भी नहीं पता है, ठीक है। रिसर्च हो रही है लेकिन फिर भी जो एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो यही है, क्योंकि सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, ये आपके मूड को क्या रखता है, हमेशा स्टेबल रखता है। आपने देखा होगा अगर 5-HT का लेवल कम या ज्यादा कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नींद नहीं आती है ना, प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। सो आपकी एक अच्छी नींद के लिए, आपकी सर्कैडियन रिदम के लिए 5-HT बहुत ज्यादा जरूरी है, और नींद और एंजाइटी एक दूसरे से काफी रेलेवेंट है। तो आप कह सकते हो कि 5-HT हमेशा ध्यान रखना कि आपका रोल क्या होता है कि 5-HT का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। अगर 5-HT का लेवल कम होगा किसी भी इंसान के ब्रेन में तो उसे एंजाइटी के आपका एंजाइटी वाली फेज में वो आ जाएगा, क्योंकि नींद नहीं आएगी प्रॉपर। एक आपकी सर्कैडियन रिदम के लिए आपका 5-HT रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हम वो ड्रग देंगे जो 5-HT के लेवल को कम करेंगी, सॉरी बढ़ाएंगी। तो कौन सी वो ड्रग है जो 5-HT के लेवल को बढ़ाती है, वो है SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये वो ड्रग है जो क्या करती है, मैंने बताया था पहला प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या कर रहा है, सेरोटोनिन को रिलीज कर रहा है, दूसरा न्यूरॉन के पास रिसेप्टर है वो उससे बाइंड होके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, कुछ अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन वापस से क्या करता है, पहला वाला न्यूरॉन अपने पास ले लेता है। तो होगा क्या, सपोज ये है, ठीक है, मैं क्विकली बता देती हूँ आपको, ये दो न्यूरॉन है, ठीक है। पहले न्यूरॉन के अंदर वेसिकल थी जिसमें आपका क्या था, सेरोटोनिन था। तो ये सेरोटोनिन रिलीज होके कहाँ आया, जब ये वेसिकल बर्स्ट हुई ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, ये कहाँ आया, क्लेफ्ट में आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पोस्ट सिनेप्टिक जो आपके ये है न्यूरॉन, इसमें रिसेप्टर होते हैं,
कुछ अमाउंट तो इससे बाइंड हो जाता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो भी इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होते हैं आपके रिसेप्टर, कुछ आपका अमाउंट ऑफ जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है इसका रीअपटेक हो जाता है बाय ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये वापस ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ चला जाता है, पहले वाले न्यूरॉन में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रीअपटेक बोलते हैं, ठीक है। रीअपटेक हो रहा है तो रीअपटेक को रोकने के ये जो SSRIs है वो क्या करते हैं, 5HT के रीअपटेक को रोक देते हैं, यानी कि ये प्रोसेस नहीं होगी। तो होगा क्या, सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाद वाला जो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है इससे ही बाइंड होगा और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि इसने क्या किया, जो रीअपटेक हो रहा था यानी कि पहला वाला न्यूरॉन जो वापस ले रहा था सेरोटोनिन को, उसे ये करने से रोका, जिससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन आपका आगे आने वाले न्यूरॉन्स के लिए अवेलेबल हुआ और इफेक्ट और भी ज्यादा अच्छा आया। सो SSRIs आपकी सेकेंड कैटेगरी की ड्रग है जो आप यूज कर सकते हैं एंजाइटी में। इसमें आती है आपकी फ्लॉक्सिडीन है, ठीक है, फ्लॉक्सिडीन हो गई। इसके अलावा आपकी आती है सॉर्टेलिन। ये हमारी ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं SSRIs की तरह और इनका मैकेनिज्म आपके सामने है, ठीक है। तो ज्यादा सेरोटोनिन होगा तो एंजाइटी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका डोपामीन। डोपामीन का हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए कोई टारगेटेड ड्रग नहीं है कि जो हम डोपामीन के लिए स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आपको डोपामीन का रोल जरूर पता होना चाहिए। डोपामीन क्या करता है आपका, बेसिकली आप जानते हो कि अगर मैंने 5HT और डोपामीन का आपको कोरिलेशन बताया था, स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है जो डोपामीन हमारे है, डोपामीन क्या करता है ब्रेन में, जब भी डोपामीन होता है मेसोकॉर्टिकल पाथवे, मैंने आपको बताया था डोपामीन का, उसके थ्रू क्या हो रहा था, डोपामीन जब रिलीज हो रहा था मेसोकॉर्टिकल पाथवे में अपने रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था और वो क्या कर रहा था, इंसान को मोटिवेटेड रखने में हेल्प कर रहा था, उसको सोशली इंट्रैक्टिव बना रहा था, है ना, डोपामीन का ये काम था। अब सोचो आप अगर डोपामीन का लेवल कम होगा मेसोकॉर्टिकल पाथवे में तो होगा क्या बताओ, एक तो इंसान मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा, साथ ही साथ वो लोगों से इंट्रैक्ट करने में भी हेजिटेट करेगा। और अभी मैं एंजाइटी के टाइप आपको बताऊंगी तो उसमें आप देखोगे सोशल एंजाइटी वो यही है, जब लोगों को, हमें लोगों के सामने जाने में आपको शर्म आती है, हमें लगता है कि हम लोगों के सामने जाएंगे तो हम लोग एम्बेरस होंगे या फिर लोग हमें जज करेंगे, इस टाइप की भी एंजाइटी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डोपामीन हमें मोटिवेटेड रखता है, हमें हिम्मत देता है हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, तो डोपामीन का लेवल अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, इंसान को सोशल एंजाइटी हो सकती है। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डोपामीन भी एक टारगेट हो सकता है, यानी कि हम ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जो डोपामीन के लेवल को इम्प्रूव करती हों, बट अभी फिलहाल एंटी एंजाइटी बेहतर ड्रग हमारे पास अवेलेबल हैं जो अच्छा कंट्रोल दिखाती है, इसीलिए हम डोपामीन के लिए, डोपामीन को एज एन टारगेट हम यूज नहीं करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीनों का रोल आपका है एंजाइटी में। ये तो थी केवल दो कैटेगरी की ड्रग जो यूज होती हैं, फर्स्ट बीटा ब्लॉकर जिसमें प्रोपेनोलॉल मैंने बताई सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सेकंड हमारी क्या है SSRIs, ये क्या करेंगी 5HT के लेवल को बढ़ाएंगी, और 5HT आप जानते हो हैप्पीनेस हार्मोन है, आपके मूड को अच्छा रखता है, आपको अच्छी नींद देता है, तो ये एंजाइटी में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। मैकेनिज्म मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर फ्लॉक्सिडीन सॉर्टेलिन वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ड्रग है, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड थी तो जल्दी मैंने बता दिया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जो ड्रग यूज होती है ना एंटी एंजाइटी ड्रग, इनकी एक खासियत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये CNS डिप्रेसेंट होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग होती है एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, जो भी ड्रग्स यूज होती है उनका एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो क्या है, आपका डिप्रेसेंट होना जरूरी है। लाइक 5HT भी CNS में क्या करता है, डिप्रेशन ही करता है, इसे लेने के बाद नींद आ रही है ना। नॉरएड्रेनालिन एक्साइटेटरी है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे ब्लॉक करवा के क्या किया, डिप्रेशन ही करवाया। इसके अलावा कौन सी है बताइए, CNS डिप्रेसेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, CNS डिप्रेसेंट कौन सी ड्रग हो सकती है, बेंजोडाइजेपिन, पढ़ी है ना पूरी मैंने डिटेल में, इसका मैकेनिज्म भी आपको समझाया है। तो फर्स्ट ड्रग, चलिए मैं इसी हिसाब से सीक्वेंस रख रही हूँ, फर्स्ट ड्रग बीटा ब्लॉकर है, सेकेंड SSRI है, थर्ड क्या है हमारे पास, बेंजोडाइजेपिन,
और बेंजोडाइजिपिन का जो पूरा मैकेनिज्म है मैंने आपको बताया है किस तरीके से ये गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर से बाइंड होती है, क्लोराइड चैनल को ओपन करती है, और क्लोराइड आयन जब भी सेल के अंदर एंटर करते हैं तो इनहिबिशन ही होता है बिकॉज ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। इस लेक्चर का जो मैंने लेक्चर बेंजोडाइजिपिन में बनाया था इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, सो दैट अगर आपको बेंजोडाइजिपिन का मैकेनिज्म आपने नहीं देखा है तो आप वहां से क्लियरली देख सकते हैं, तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बेंजोडाइजिपिन सीएनएस डिप्रेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनहिबिशन कर रहे हैं, क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं सेल के अंदर, है ना, नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है। सो बेंजोडाइजिपिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है और सबसे आप बोल सकते हो सबसे पॉपुलर ड्रग है जो हम एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, क्योंकि ये भी सीएनएस डिप्रेशन ही कर रही है, ठीक है। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग इस कैटेगरी की डायजिपाम, लोरेजिपाम, ऑक्साजिपाम, ठीक है। लाइकवाइज ये ड्रग है हमारी, पाम आता है इनके लास्ट में, पाम बोलो, पाम बोलो, तो ये आपका क्या है, बेंजोडाइजेपिन है मैकेनिज्म, आप अच्छी क्लियरली वीडियोस में चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो ड्रग है आपकी, ये आपकी क्या है, ये भी आपकी सीएनएस डिप्रेसेंट ही है, इनके मैकेनिज्म से आपको पता लग जाएगा कि बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, सिडेटिव और हिप्नोटिक है, इन्हें लेने के बाद कामनेस आती है ना, नींद आती है, और वही हमें चाहिए एंजाइटी के केस में, ठीक है। तो ये आपकी ड्रग है, इसके अलावा फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग है आपकी एजापिरोन डेरिवेटिव, और वो जो ड्रग है आपकी, ओके मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ, फोर्थ क्लास ड्रग है हमारे पास एजापिरोन डेरिवेटिव, एंड एजापिरोन की कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो है हमारे पास बसपिरोन, ठीक है, बसपिरोन आपकी ड्रग है। अब जो ये ड्रग है ये, हालांकि ये इसका जो मैकेनिज्म है ये है 5HT1A रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट, बताया था मैंने पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, रिसेप्टर्स का जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में हमने देखा था ना कि क्या पार्शियल है क्या इनवर्स है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सब में डिफरेंस देखा था, तो 5HT1A रिसेप्टर जो पार्शियल एगोनिस्ट है तो ये क्या करेगा, यानी कि 5HT की तरह ही ये 5HT बसपिरोन भी क्या करेगा, 5HT रिसेप्टर से बाइंड होगा और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लाइकवाइज यहाँ पे देखो हमारा एम क्या था, 5HT के लेवल को बढ़ाना था, इस ड्रग ने क्या किया आपका 5HT1A रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो 5HT ने करना था, ठीक है। और इसका अगर एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताऊं तो वो अनक्लियर है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आपको मैकेनिज्म वाइज बता सकूं कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि 5HT का एग्जैक्ट रोल क्या है एंजाइटी में, वो हम केवल कहते ही हैं कि जो 5HT है वो कामनेस प्रोड्यूस करता है, सेडेशन नींद आती है उसे लेने के बाद, इंसान को अच्छा लगता है, सो एंजाइटी में वो हेल्प करेगा, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि एजापिरोन जो बसपिरोन है स्पेसिफिकली 5HT के 1A रिसेप्टर में एगोनिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि जैसे 5HT करता है वैसे ही ये भी करता है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू बसपिरोन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट अभी भी इसका कोरिलेशन हम क्या कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 5HT1A रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद होने वाला क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली इस रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद 5HT क्या करता है, मैं बता दूं आपको, ये ऑटो रिसेप्टर है और ऑटो रिसेप्टर हमेशा क्या करते हैं, जो ट्रांसमीटर है उसके रिलीज को कम करते हैं, तो यहाँ पे भी ये होगा 5HT का रिलीज कम होगा, लेकिन फिर कोरिलेशन हम नहीं कर सकते 5HT का लेवल कम होने की वजह से कैसे आपका एंजाइटी ठीक हो रही है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि 5HT का लेवल ज़्यादा रहेगा तब एंजाइटी ठीक होगी, तो इसीलिए इसे यहीं पे ड्रॉप करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट अभी भी इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है, तो आप बस इसका एग्जांपल ध्यान रखें, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो ये है हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग, ठीक है, चार कैटेगरी की ड्रग मैंने आपको बता दी, और साइड इफेक्ट आपको जब हम इस स्पेसिफिकली हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं तो इन सबके साइड इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या आपके इफेक्ट आ सकते हैं। अब बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, लेट मी चेक कि क्या, हाँ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अगर किसी इंसान को सीवियर एंजाइटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, सीवियर एंजाइटी के केस में, क्योंकि ये एंटी एंजाइटी के साथ थोड़ा सा सेडेशन भी करता है, तो इसीलिए इसे थोड़ा अवॉइड करते हैं माइल्ड और मॉडरेट केस में, बट
अगर किसी को सीवियर एंजाइटी है तो आप बेंजोडाइजेपिन ही दोगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है आपकी डिपेंडेंस भी है, ठीक है, इसीलिए सीवियर में ही इसे प्रेफर करते हैं। बट अगर आपके पास माइल्ड और मॉडरेट टाइप का कोई केस है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर केस में नहीं पहुँचा है इंसान, तो आप एजापिरोन यानी कि बसपिरोन पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, ये ड्रग आप देंगे। और बाकी की जो ड्रग है हमेशा ध्यान रखना SSRIs को हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो बसपिरोन का मैकेनिज्म बन रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 5-HT का लेवल कम हो रहा है। अब हमें पता नहीं कि 5-HT का लेवल कम होने की वजह से हमें कैसे हेल्प मिलेगी। और ध्यान रखिएगा कि जो 5-HT1A रिसेप्टर होते हैं ना, ये हमारे बेसिकली ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तो ये 5-HT का लेवल अगर कम होगा भी तो कहाँ पे होगा, ब्रेन स्टेम में होगा। और अब हम ये नहीं चाहते ना कि 5-HT का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसीलिए बसपिरोन के साथ SSRIs को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि बसपिरोन क्या करता है, स्पेसिफिकली हमारा जो रेफी न्यूक्लियस है, ठीक है, ब्रेन स्टेम में, वहाँ पे ये क्या करता है, 5-HT के लेवल को कम करवाता है, ठीक है, क्योंकि 5-HT1A का काम ही ये होता है कि ये सेरोटोनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ओवर एक्टिविटी को कम करता है। तो क्या होगा, 5-HT का रिलीज कम होगा, ठीक है, 5-HT का रिलीज कम होने की वजह से आपका इनहिबिशन हो सकता है, जो हम नहीं चाहते, इंसान डिप्रेशन में चला जाए, इसीलिए हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में SSRIs भी देते हैं, ताकि 5-HT का लेवल आपका क्या हो जो कम हो रहा है इसकी वजह से, जो हम नहीं चाहते थे हो एग्जैक्टली, वो SSRI की वजह से क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि SSRI 5-HT के लेवल को बढ़ा देंगे। और इसका मैकेनिज्म नहीं पता कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, बट इन दोनों का कोरिलेशन आप कर सकते हो आसानी से। और बीटा ब्लॉकर तो आप किसी भी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, बेंजोडाइजेपिन के साथ दे लो, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक रिलीव आपको देगा। तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है कि अगर सीवियर एंजाइटी है तो हमेशा क्या यूज करोगे आप, बेंजोडाइजेपिन। अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है आपका एंजाइटी का, तो आप बसपिरोन दोगे। बसपिरोन के साथ प्रॉब्लम है कि 5-HT का लेवल कम हो जाता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इंक्रीमेंट, तो आप हमेशा ध्यान रखें बसपिरोन के साथ SSRI हम कॉम्बिनेशन देंगे, सो दैट कि जो आपका लेवल कम हुआ है वो आपका क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर तो कॉम्बिनेशन में हम दे ही सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एंटी एंजाइटी ड्रग, ये तो थी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है, आप मेडिसिनली यानी कि आप मेडिकेशन देके आप कैसे एंजाइटी को ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद आती है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है कि आप जो भी इंसान है उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं जिसको एंजाइटी है, लाइक आप उससे ये बोल सकते हो कि आप एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें अपने सारे फेयर लिखो, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसे नोट डाउन करो, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मंथली वीकली जो भी आपसे पॉसिबल हो रहा है आप उस टास्क को परफॉर्म करो, सो दैट उस चीज़ का डर आपके मन से निकल जाए, ठीक है। आप धीरे धीरे जब ये चीज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी, क्योंकि आपको जिस चीज़ से डर लगता है जब आप उस चीज़ को कर लेते हैं तो वो डर आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये काउंसलिंग आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट आपका हो सकता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपका क्या करता है, ध्यान केंद्रित करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपकी बॉडी को बहुत काम रखता है, सो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हो सकता है रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका बिहेवियरल थेरेपी में भी आता है, लाइक आप पर्सन को बोल सकते हो कि आप खुद सोचो, आप बैठ के टाइम निकालो, आप फोकस करो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप सोचोगे नहीं और आप उसको रिलेट नहीं करोगे कि क्या आप जिस चीज़ से डर रहे हो वो डरना आपका सही है, क्या और लोगों को भी ये दिक्कत होती है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हो। देखो जितने भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए खुद से आपको एफर्ट्स लगाना, जो आपका सेल्फ जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में मतलब इंसान को खुद सोचना है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो जब खुद सोचेगा एनालाइज करेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अपना यूज़ करेगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में अमाइगडाला को यूज़ ना करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ करेगा, तो उसके जो आपका रेस्पॉन्स होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, बहुत रैशनल रेस्पॉन्स आएगा, और इंसान को अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसके अंदर अमाइगडाला ओवरराइड कर रहा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, ठीक है, और उसे अब क्या करना है, इंसान को अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से काम करवाना है ताकि अमाइगडाला अपना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम कर दे, समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या है, कुछ एरोमा थेरेपी है, वो भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को काम करती है, तो वहाँ पे भी आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तरीके हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज ड्रग ट्रीटमेंट आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है,
टू गेट बेटर रिलीफ. ओके, सो ये एंटी एंजाइटी. अब इसके बाद क्या आता है कि आपका जो एंजाइटी है, मैं थोड़े से इनके टाइप जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि किस किस टाइप की आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं. तो एंजाइटी हमारी डिफरेंट कैटेगरी में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. एंजाइटी को देखते हैं कौन कौन सी है. सबसे पहला है आपका जीएडी. जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, ये क्या है आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, इंसान थ्रू आउट यानी कि हर समय उसके अंदर डर रहता है. ऐसा नहीं कि कोई एक सिचुएशन है या कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है, उसे देख के वो डर रहा है. हर समय उसके अंदर वो थ्रेट हमेशा रहता है, वो डर हमेशा रहता है. ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे देख के इंसान डर रहा है, आप हर समय ही उसके अंदर ये फीलिंग रहेगी ऑफ एंजाइटी. ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. सेकेंड आपके पास है फोबिया. और मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एंटी साइकोटिक के न्यूरोसिस और साइकोसिस के बीच में डिफरेंस बताया था. तो फोबिया मैंने बताया था. फोबिया क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पर्सन, किसी प्लेस से आप डर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको हर समय एंजाइटी रहेगी. फोबिया की सिचुएशन में कोई एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई होगा जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको डर लगता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. तो जब भी इंसान को, ऑब्वियसली फोबिया का भी यही है, फोबिया आप पानी से आपको फोबिया हो सकता है, आपको ब्लड से फोबिया हो सकता है. सपोज कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है किसी को, आप एकदम से डर रहे हो, ठीक है, आपकी एंजाइटी आ रही है आपकी, तो ये आपका क्या होता है, फोबिया. ठीक है, जब आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से डर रहे हो. थर्ड हमारे पास है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. मैंने बताया था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, जब आपके अंदर किसी चीज को लेके ऑब्सेशन आ जाता है और ऑब्सेशन कंपल्सन में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया था आपको, लाइक आपके हैंड है बिल्कुल क्लीन है, लेकिन अगर आपके अंदर बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे हाथ को साफ करना है. ठीक है, क्लीन होते हुए भी बार बार आप हाथ को साफ कर रहे हैं. ठीक है, पहले तो आपके अंदर फीलिंग आई, ऑब्सेशन मतलब फीलिंग आई टू क्लीन योर हैंड. आफ्टर दैट वो एक कंपल्शन में कन्वर्ट हो गया कि आपको हाथ धोने ही धोने हैं. तो ये आपका क्या है, ओसीडी. यानी कि आपको पता है, आपको पता है आपके हाथ साफ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो आपका ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है. और इसी वजह से मैंने बताया था आपको कि ओसीडी का पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा ये आपका हो जाए सीवियर लेवल पे, तो हाथों में आपके कट भी आ जाते हैं, क्योंकि इंसान इतना रगड़ रगड़ के हाथ धोता है बार बार, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. तो थर्ड टाइप ऑफ एंजाइटी है जो क्या है, ओसीडी है. इसके अलावा सिम्टम्स तो आपको बेटा पता ही है. ठीक है, एंजाइटी के सिम्टम्स मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट हमारे पास है एगोराफोबिया. वन मिनट, ठीक है. एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या है, एगोराफोबिया वो सिचुएशन है, ये एंजाइटी ऐसी होती है जिसमें इंसान के अंदर बार बार ये फीलिंग आती है कि वो एस्केप कर जाए सिचुएशन से. लाइक आप किसी रूम में हैं, आपका नज़र बार बार आपके एस्केप रूट यानी कि डोर की साइड में है. अगर एक बार भी ऐसा हुआ कि आपको डोर नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, तो आपके अंदर एंजाइटी आने लगती है. इस चीज़ को समझ रहे हैं, एगोराफोबिया क्या है. एगोराफोबिया बेसिकली एंजाइटी है, एंजाइटी जिसमें आपको ये फीलिंग आती है कि आप ऐसी जगह पे हैं, आप ऐसे प्लेस में हैं जहाँ से आपका बाहर निकलना मुश्किल है. ठीक है, तो ऐसे इंसान की नज़र हमेशा दरवाजे पे ही रहेगी कि कब वो बाहर वहाँ से निकल सके. और अगर वो दरवाजा उसे नहीं दिख रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसे बाहर जाने का रूट नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए उसका एंजाइटी का अटैक आना उसे स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा एगोराफोबिया क्या होता है. ठीक है, इसके बाद और हमेशा ध्यान रखना, हाँ इसके बाद पहले मैं फिफ्थ आपको बता दूँ, पैनिक अटैक. पैनिक अटैक भी आपके टाइप हैं ऑफ एंजाइटी. पैनिक अटैक बेसिकली क्या होता है, पैनिक अटैक किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है. ठीक है, किसी आपने लाइफ में कुछ ऐसा देख लिया है घटते हुए जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो जब भी इंसान को पैनिक अटैक आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है,
वो हार्ट रेट बीपी तो बढ़ ही रहा है, साथ में इंसान क्या होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं, शेकिंग हैंड वाली प्रॉब्लम आ जाती है, और इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये होता है पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि इंसान को कुछ किसी बात का स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी थॉट है जो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। समटाइम एक्सरसाइज की वजह से भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है उसकी वजह से भी अटैक आ जाते हैं। सो और कभी अननोन रीज़न भी होता है। तो पैनिक अटैक की सिचुएशन वही होती है। ये बाकी की एनजाइटी से थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि इस स्टेट में इंसान क्या कर रहा है, आप खुद सोचिए कि इंसान को क्या आ रहे हैं, झटके आने स्टार्ट हो गए, ट्रीमर्स आने स्टार्ट हो गए, कन्फ्यूज हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, ये सारे साइन हैं आपके किसके, पैनिक अटैक के। तो ये है आपका फिफ्थ टाइप ऑफ सिचुएशन। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी इंसान को, सपोज इंसान ड्राइव कर रहा है, ठीक है, ड्राइव करते हुए अगर इंसान को पैनिक अटैक आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके कॉज तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अननोन भी हो सकता है। तो अगर पैनिक अटैक आपको ड्राइव करते हुए आ गया और इंसान को साथ साथ एगोराफोबिया भी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान फिर कभी फ्यूचर में ड्राइव करता ही है, करता ही नहीं है, वो ड्राइव करना ही छोड़ देता है। तो ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे के साथ मिलके ज़्यादा आपका, आप बोल सकते हो, ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये आपके क्या है, फिफ्थ टाइप ऑफ एंजाइटी है, जो क्या है आपका, पैनिक अटैक है। नेक्स्ट एंजाइटी है आपकी सैड। सैड मीन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, लाइक GAD वी हैव सैड ऑल्सो। सैड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये मैंने आपको बताया था, इस टाइप की एंजाइटी में इंसान को सोशली इंटरेक्ट करने में दिक्कत आती है, वो लोगों के पास जाने से डरता है, उसे लगता है कि मैं अगर लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, जज करेंगे, ठीक है, मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइप की फीलिंग है, इसे बोलते हैं हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये जर्नली लोगों के अंदर होता है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग में आपको लोगों के सामने पहली बार बोलना है, ठीक है, स्टेज में जाके बोलना है, तो भी इंसान के अंदर ये एंजाइटी डेवलप होती है। तो इस टाइप की सिचुएशन में जब किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो इंसान बिल्कुल ट्राई करता है कि वो लोगों से दूर रहे, उनके पास ना जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिक्स टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है, विच इज नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेवन टाइप, पोस्ट ट्रोमैटिक एंजाइटी डिसऑर्डर। AD लिख रही हूँ मैं। पोस्ट ट्रामेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब ये आपकी लाइफ के साथ घटी हुई किसी घटना की वजह से हो सकता है। लाइक अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, ठीक है, जैसे बहुत टाइम आपने देखा होगा चाइल्ड अब्यूज़ के केस आते हैं, रेप के केस आते हैं, और कुछ ऐसा नेचर डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने अपने अपने जो घर के लोग थे, आपके जानने वाले लोग थे, आप रिलेशन में जो थे उन्हें खो दिया है। तो इस टाइप के किसी भी ट्रॉमा से होकर अगर आप गुजरे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके अंदर एंजाइटी, आपको अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी भी अटैक आ सकते हैं, जब भी आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो एंजाइटी हो सकती है। तो पोस्ट ट्रोमैटिक एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब ये किसी ट्रॉमा का रिजल्टेंट इफेक्ट है, ठीक है, ट्रॉमा अगर हुआ था तो उसकी वजह से ये हो सकता है। और इस टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर जिन भी लोगों को होता है, उनको किसी भी इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में आने में, या फिर फ्रेंड सर्कल अपना मेंटेन करने में, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में, ठीक है, दिक्कत आती है। यानी कि ये लोग अलग रहना पसंद करते हैं, ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, इनको बिलीफ नहीं होता दूसरों के ऊपर। तो ये आपका क्या है, पोस्ट ट्रोमैटिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सारे नाम से ही आपको पता लग रहे हैं, हालांकि सारे एंजाइटी हैं, बट इनके रीजन के हिसाब से इन्हें कर दिया क्लासिफाई। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स अगर आप किसी अपने किसी इंसान से, अपने रिलेटिव से आप अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो उसके बाद जो एंजाइटी हो रही है, ठीक है, उसके बाद इंसान को एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, बिकॉज ये जो रिजल्ट है ऑफ सेपरेशन, ठीक है, आपके किसी करीबी इंसान जो आपसे सेपरेट हो चुका है, सेपरेट होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि वो आपने वो रहा ही नहीं इस दुनिया में, ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी लाइफ सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से अलग हुआ, तो वो सेपरेशन आपका जो है वो रीज़न हो सकता है एंजाइटी का, इसको बोलते हैं हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड द लास्ट
anxiety disorder is selective mutism. Now, selective mutism क्या होता है? Selective mutism ये होता है कि जैसे नॉर्मली आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब लोगों के सामने आप जा रहे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो रहे हो, तो एकदम से आप आवाज़ आपकी निकल ही नहीं रही है. इसको बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म. ठीक है, ये बेसिकली हमेशा एसोसिएटेड होता है विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, जब आप लोगों के सामने आते हो, आप पब्लिक प्लेस में आते हो, आपको तभी जाके ये प्रॉब्लम आती है. तो आप कह सकते हो कि जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है उसको आप कोरिलेट कर सकते हो विद एसिडी, कि जो एसिड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सोशल एंजाइटी होती है, उनको सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी होता है, यानी कि आप लोगों के सामने जाते ही उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है. तो ये था ऑल अबाउट एंजाइटी, टाइप ऑफ एंजाइटी, क्या 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 रीज़न है एंजाइटी का, एंजाइटी होती क्या है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है बाय मेडिसिन, बाय अदर ट्रीटमेंट, जिसमें हमने बिहेवियरल थेरेपी देखी थी, एरोमा थेरेपी देखी थी, मेडिटेशन था, रीजनिंग था, है ना. सो ये है आपका ऑल अबाउट एंजाइटी. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को जल्द से जल्द आपको दे सकूँ. थैंक यू सो मच.